नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से शर्मा जी एजुकेशन में। मेरा नाम विश्ववेक शर्मा है और मैं आपकी केमिस्ट्री की फैकल्टी हूं। आज आपको मैं बताऊंगा कि कैसे बोर्ड के जो बच्चे हैं, बोर्ड के जो स्टूडेंट्स हैं, जो इस साल 12th बोर्ड देने वाले हैं, उनके लिए कैसे वो अपने मार्क्स इम्प्रूव कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं केमिस्ट्री के अंदर। तो देर ना करते हुए मैं आपको थोड़ा सा डिटेल बता देता हूँ। इसमें हम क्या करेंगे, पिछले साल के जो क्वेश्चंस पेपर हैं, लास्ट ईयर के जो क्वेश्चंस पेपर हैं, उनको डिस्कस करेंगे। यहाँ पे देखेंगे उनका सोल्यूशन क्या होगा, कैसे आप उसका आंसर लिखेंगे। तो आपने अभी तक केवल ऐसी सीरीज देखी होगी पिछले साल के पेपर में, केवल आपने पीडीएफ देखी होंगी कि आप खुद पढ़िए और खुद उसके आंसर लिखिए। मैं आपको समझाऊंगा कौन सा क्वेश्चन कहां से आया, क्यों आया है, किस लिए आया है। तो उसके डिटेल आप देख सकते हैं कि किस चैप्टर में से कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है, ये भी आपको पता चल जाएगा। तो गाइज, आपको एक काम करना है कि केवल डिस्क्रिप्शन में जाके ये जो पेपर है जो आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ, 2016 या 2016 का केमिस्ट्री का पेपर, वो सिंपली डाउनलोड करना है, उसको एक बार खुद सॉल्व करना है, उसके बाद मेरे साथ उसको आंसर मैच करना है, खुद का कैलकुलेशन करना है कि आप कितने मार्क्स गेन कर सकते हैं इसके अंदर। ठीक है, तो देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। आई होप आपने ये डाउनलोड करके लिख लिया होगा, तो डाउनलोड कर लिया होगा, आपने पेपर दे दिया होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं देर ना करते हो। तो पहला क्वेश्चन था, फर्स्ट क्वेश्चन इज राइट द फॉर्मूला ऑफ एन ऑक्सो आयन ऑफ मैग्नीज इन विच इट्स शोज द ऑक्सीडेशन स्टेट इक्वल टू द इट्स ग्रुप। वही कह रहा है कि मैग्नीज का ऐसा कौन सा आयन है, मैग्नीज का पहले तो फॉर्मूला पता होना चाहिए, Mn मैग्नीज का फॉर्मूला होता है। वो कह रहा है इसका ऐसा कौन सा आयन है जो इसी की ग्रुप के नंबर के बराबर ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है। तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि मैग्नीज का ग्रुप क्या है। तो मैग्नीज का ग्रुप होता है 7th, ठीक है, पीरियडिक टेबल अगर आपको याद है तो। उसके बाद 7 किस में आता है, तो सबसे फेमस है पोटेशियम पर मैग्नेट के MnO4, ठीक है। इसमें आपका आयन क्या हो सकता है, MnO4 आयन है, ठीक है। ये क्या है, MnO4 आयन में अगर मैग्नीज की आप बैलेंसी निकालोगे तो मैग्नीज की बैलेंसी आएगी प्लस सेवन। इसकी मैग्नीज की बैलेंसी क्या आएगी, +7। ओके, तो ये हमारा आंसर हो गया। सेकंड क्वेश्चन था इसके अंदर, ये तो फर्स्ट क्वेश्चन था, सेकंड क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन में एक हमें दे रखा है कंपाउंड, यौगिक दे रखा है, कंपाउंड दे रखा है और उसका IUPAC नेम पूछा है। तो IUPAC नेम के लिए मैंने आपके लिए सिलेबस बनाया हुआ है, आपके लिए पूरा एक कोर्स बनाया हुआ है, तो आप प्लीज उसको जाके देख सकते हैं ताकि आपकी IUPAC नेमिंग अच्छी हो सके। तो इसमें कंपाउंड दे रखा था CH3CH2(NCH3)। देखिए बच्चों, सिंपल सा इसका फंडा है नाम करने का। देखिए ये नाइट्रोजन के साथ एक ये भी अटैच है, दो मॉलिक्यूल जो है इथाइल के अटैच है, एक मॉलिक्यूल जो है वो मिथाइल का अटैच है। इसकी सिंपल नेमिंग कैसे करेंगे, देखिए ई पहले आता है, एम बाद में आता है। तो पहले नेमिंग में क्या करेंगे, नाइट्रोजन से जो भी कंपाउंड अटैच होता है उसकी नेमिंग करने के लिए सिंपल सा फंडा होता है कि आप क्या करिए, उसके आगे एन लगाइए। तो ये हो जाएगा एन इथाइल, ठीक है, एन मिथाइल और एक इथाइल यार, क्योंकि बड़ी चेन है, सबसे बड़ी चेन इसमें क्या होगी, इथाइल की चेन होगी। उसके साथ आप इसका अमाइन लगाएंगे तो हो जाएगा इथेनामाइन। क्या हो जाएगा, इथेनामाइन। ओके, तो ये था क्वेश्चन नंबर 2 जिसमें हमें इसकी कंपाउंड की नेमिंग करनी थी। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि कैसे इसकी नेमिंग करेंगे। देखिए इस नाइट्रोजन के साथ एक मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, दो इथाइल ग्रुप लगे हुए हैं, जिनमें से दो में से एक जो है वो लॉन्ग चेन के अंदर आ जाएगा, जिसका नाम हम बाद में लिखेंगे इथेनामाइन में। बाकी एक सब्स्टिट्यूशन आपका मिथाइल है और एक सब्स्टिट्यूशन आपका इथाइल है। तो पहले ई आता है इसलिए हम पहले लिखेंगे एन इथाइल, फिर आता है एम तो लिखेंगे एन मिथाइल और साथ में इथेनामाइन। तो ये थी इसकी नेमिंग, यानी क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। अच्छा, अब आप क्वेश्चन नंबर 3 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है फॉर अ रिएक्शन आर टू पी, एक रिएक्शन दे रखी है आर से, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है, हाफ लाइफ यानी टी हाफ इज ऑब्जर्व टू बी इंडिपेंडेंट ऑफ द इनिशियल कंसेंट्रेशन ऑफ द रिएक्शन। वो ये कह रहा है कि टी हाफ जो है वो रिएक्शन की कंसेंट्रेशन से इंडिपेंडेंट है, यानी कंसेंट्रेशन चेंज हो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है।
यानी उसकी इनिशियली कितनी कंसेंट्रेशन थी इससे कोई मतलब नहीं है ऑर्डर की रिएक्शन पे। तो आपको बताना है कौन से ऑर्डर की रिएक्शन होगी। तो ये बहुत सिंपल सा है, अगर आपने ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन थोड़ा सा भी ठीक से पढ़ा होगा तो आप इसको बिना देखे भी लिख सकते हैं कि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगी। ठीक है, कैसी रिएक्शन होगी? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का टी हाफ का फॉर्मूला भी आपको याद होगा, टी हाफ इज इक्वल टू होता है एलएन टू डिवाइडेड बाय के। के क्या है? रिएक्शन कांस्टेंट। ओके, तो ये तो आपको पता चल गया, क्वेश्चन नंबर थ्री हो गया, थ्री के मार्क्स थे। क्वेश्चन नंबर फोर कह रहा है कि राइट द स्ट्रक्चर ऑफ वन ब्रोमो फोर क्लोरो ब्यूटूइन। राइट द स्ट्रक्चर ऑफ वन क्लोरो वन ब्रोमो फोर क्लोरो ब्यूटूइन। देखिए, अब इसमें बहुत सिंपल सा है कि जो मेन स्केलेटन है वो कितने का, ब्यूट कितने कार्बन का होता है? चार कार्बन का। तो आप चार कार्बन बना दीजिए पहले। ठीक है, इस चार कार्बन पे वो पोजीशन बता रहे हैं डबल बॉन्ड की। डबल बॉन्ड की पोजीशन क्या है? सेकंड। तो सेकंड कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बनेगा। अब आप इसका कार्बन का बॉन्ड इधर मत बनाइएगा, क्योंकि अगर इधर आएगा तो फर्स्ट पे आ जाएगा, तो आप इस पे बनाएंगे डबल बॉन्ड। ठीक है, फिर उसके बाद कह रहे हैं वन ब्रोमो फोर क्लोरो। अच्छा, कैलकुलेशन जो है वो हम प्रिफरेंस किसको देंगे? ब्रोमीन को देंगे। ठीक है, तो क्लोरीन ऑटोमेटिकली लास्ट में जाएगा, तो हम ब्रोमीन लगा देते हैं इधर और क्लोरीन लगाएंगे इधर। ठीक है, बाकी की आप बैलेंस ही कर लेंगे, एच एच लगाने होंगे। देखिए, इस कार्बन के दो बॉन्ड हो गए, दो बचे हैं, तो यहाँ पे एक एच, यहाँ पे एक एच। इस कार्बन के तीन बॉन्ड हो गए, एक बचा है तो एक हाइड्रोजन। इस कार्बन के तीन बॉन्ड हो गए तो एक बचा है, एक हाइड्रोजन। इस कार्बन के दो हो गए तो दो हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये आपका फॉर्मूला हो गया किसका? वन ब्रोमो फोर क्लोरो ब्यूटूइन। तो अगर आपने आईयूपीएससी नेमिंग नहीं पढ़ा है तो प्लीज जाके एक बार पढ़िएगा, ताकि आप ऐसे सिंपल से फॉर्मूले आप आसानी से लिख सके। नेक्स्ट क्वेश्चन था, नेक्स्ट क्वेश्चन में बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। आपने अगर एडसॉर्प्शन पढ़ा है, सरफेस केमिस्ट्री पढ़ी है, तो आप उसमें आसानी से कर सकते हैं। क्वेश्चन है कि राइट द सिमिलैरिटी बिटवीन फिजियोज ऑप्शन एंड केमियोज ऑप्शन। फिजियोज ऑप्शन का मतलब होता है भौतिक अधिशोषण, और केमियोज ऑप्शन का मतलब होता है रासायनिक अधिशोषण। यानी एक फिजिकल हो रहा है और दूसरा हो रहा है केमिकल। ओके, इसके अंदर एक सिमिलैरिटी लिखनी थी, तो एक सिमिलैरिटी ये हो सकती है कि दोनों के दोनों क्या है? सरफेस फिनोमिना है, सरफेस फिनोमिना। ठीक है, एक तो ये सिमिलैरिटी हो सकती है। दूसरा आप ये कह सकते हो कि जितना ज्यादा आपका सरफेस एरिया बढ़ेगा, सरफेस एरिया, उतनी ही ज्यादा एड्सॉर्प्शन होगा, एड्सॉर्प्शन भी उतना ही ज्यादा होगा। देखिए, कंफ्यूज नहीं होइएगा एड्सॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन में, दोनों अलग अलग कॉन्सेप्ट है। तो ये सरफेस केमिस्ट्री में इसको ठीक से पढ़िएगा, क्योंकि इससे इस बार अगर ये क्वेश्चन आया है तो हो सकता है कि 2017 में इससे लैग्न्यूलर आइसोथर्म पूछ ले, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर फाइव। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर सिक्स। क्वेश्चन नंबर सिक्स कहता है कि निम्न रिएक्शंस को, मतलब कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन। कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन में है अमोनिया प्लस 3Cl2, ये एक्सेस अमाउंट में है। ठीक है, आपसे पूछा है कि इसका प्रोडक्ट क्या होगा, तो बहुत ही सिंपल है। इसका प्रोडक्ट अगर एक्सेस अमाउंट में है तो ये सारे हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा, और सारे हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करके बना देगा NCl3। ठीक है, बाकी क्या बचेगा? आपके तीन हाइड्रोजन निकल गए, छह क्लोरीन है, जबकि तीन यहां पे आए हैं, केवल तीन क्लोरीन का यूज हुआ है, बाकी तीन क्लोरीन बचे हुए हैं, और तीन हाइड्रोजन के साथ ये बना लेंगे HCl। तो ये तो पहली रिएक्शन कंप्लीट हो गई। सेकेंड रिएक्शन क्या होगी इसकी? सेकेंड रिएक्शन कह रहा है जिनॉन हेक्साफ्लोराइड है। आपको पता होगा कि जिनॉन जो है इनर्ट गैस वाले में, यानी 18 ग्रुप का एलिमेंट है, फिर भी ये रिएक्शन करता है, इसका कॉन्सेप्ट जरूर पढ़िएगा। ओके, और इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन है वो उससे क्वेश्चन श्योर आ जाता है। अभी हम आगे डिस्कस करेंगे कि हाइब्रिडाइजेशन से कैसा क्वेश्चन आता है। इसकी जिनॉन हेक्साफ्लोराइड की आप रिएक्शन करा रहे हैं वॉटर के साथ, यानी इसका हाइड्रोलिसिस करा रहे हैं।
तो ये बन जाएगा जिनॉन डाइऑक्सो डाइफ्लोराइड प्लस, देखिए डाइऑक्सो डाइफ्लोराइड बन गया, यहां से फ्लोरीन जो है वो रिलीज हुआ है, फ्लोरीन इस हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करके क्या बना लेगा, हाइड्रोजन फ्लोराइड, हाइड्रोजन फ्लोराइड। आप इस रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हैं, ये हो जाएगा चार यहां पे चार, ओके तो ये रिएक्शन बैलेंस हो गई। अब इसी के साथ एक ऑप्शनल क्वेश्चन भी था इसका, ऑप्शनल यानी आपको या तो ये करना था, एक क्वेश्चन और था, या तो आप वो कर सकते थे। तो क्वेश्चन नंबर सिक्स का जो ऑप्शनल है वो भी डिस्कस कर लेते हैं। आई होप आपको ये रिएक्शन समझ में आ गई होगी कि अमोनिया की क्लोरीन के साथ एक्सेस में रिएक्शन कराओगे तो क्लोरीन हाइड्रोजन को यहां से डिस्प्लेस कर देगा और कुछ खुद जाके उसके साथ नाइट्रोजन के साथ लग जाएगा और आपका बन जाएगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड। नेक्स्ट है जिनॉन हेक्साफ्लोराइड, जिनॉन हेक्साफ्लोराइड की वाटर के साथ रिएक्शन कराओगे तो जिनॉन डाइऑक्सो डाइफ्लोराइड बन जाएगा और साथ में हाइड्रोजन फ्लोराइड आपका अलग बनेगा, दो प्रोडक्ट बन गए। तो इसी के साथ और में एक क्वेश्चन था, और यानी ऑप्शनल एक क्वेश्चन था, या तो आप ये करिए या फिर दूसरा क्वेश्चन करिए। दूसरा क्वेश्चन था NH4 यानी अमोनियम क्रोमेट Cr2O7। देखिए Cr2O7 आयन होता है, आयन इसका नाम क्या होता है, क्रोमेट, ठीक है। अच्छा ये कह रहा है कि इसको जब आप हीट करोगे, इस रिएक्शन को जब आप हीट कर, मतलब इस कंपाउंड को जब आप हीट करोगे, इसको बोलते हैं अमोनियम डाइक्रोमेट, अगर आपको नहीं पता है तो इसको बोलते हैं अमोनियम डाइक्रोमेट, ठीक है। अब वो ये कह रहा है कि इस रिएक्शन को यानी इस कंपाउंड को आप हीट करिए तो आप मेरे को ये बताइए कि हीट करके प्रोडक्ट क्या बनेगा, ठीक है। तो हीट करके जो प्रोडक्ट बनेगा बहुत ही सिंपल है, आई होप आपको इस रिएक्शन में समझ में आएगा कि क्या क्या बनेगा। तो पहला तो आप ये समझिए कि इसमें अमोनियम है, अमोनियम से एक गैस निकलेगी नाइट्रोजन गैस, आप अगर इसको हीट करेंगे तो प्रोडक्ट में आएगी आपकी नाइट्रोजन गैस, ठीक है। साथ ही साथ हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है तो वाटर भी निकलेगा, वाटर कितना निकलेगा 4H2O। साथ ही साथ आपका निकलेगा क्रोमियम ऑक्साइड, क्रोमियम ऑक्साइड Cr2O3, इसको बोलते हैं क्रोमियम थर्ड ऑक्साइड। थर्ड क्यों, क्योंकि इसकी बैलेंसी कितनी है क्रोमियम की, तीन बैलेंसी। अच्छा हम इसमें क्रोमियम के साथ बैलेंसी क्यों लिख रहे हैं तीन, क्योंकि ये ट्रांजिशन एलिमेंट है। ट्रांजिशन एलिमेंट कहां पे होते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट, तो डी ब्लॉक एलिमेंट को हम बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट, ओके। नेक्स्ट इसी के साथ था एक और था कि H3PO3 क्या होता है, फॉस्फोरस का एसिड होता है, ठीक है। H3PO3 को आप हीट करते हैं, H3PO3 को अगर आप हीट करते हैं तो क्या होगा, देखिए इसको क्या होगा गर्म करने पे, अगर आप इसको गर्म करेंगे तो ये बनाएगा H3PO4 प्लस PH3। PH3 को हम बोलते हैं फॉस्फेन, क्या बोलते हैं फॉस्फेट, और इसको हम बोलते हैं फॉस्फोरिक एसिड, ठीक है। अगर आप अब इस रिएक्शन को आप बैलेंस कर लीजिएगा, आसानी से बैलेंस हो जाएगी, ये बैलेंस ही तो आपने सीखी होगी थ्री, ठीक है, इसको बैलेंस कर लीजिएगा आप आराम से। फिलहाल ये ही प्रोडक्ट बनेगा, फॉस्फोरस एसिड को जब आप गर्म करोगे तो फॉस्फोरिक एसिड बनेगा और फॉस्फेन गैस रिलीज होगी, फॉस्फेन गैस PH3 फॉस्फेन गैस होती है, ओके। तो ये तो हो गए क्वेश्चन नंबर सिक्स। नेक्स्ट अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर सेवन, डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स, फर्स्ट इज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में आपको ये तो पता होगा कि ये सोल्यूशन चैप्टर से है, सोल्यूशन चैप्टर यानी बेसिक, अगर आपके मतलब अगर आपके मोल कॉन्सेप्ट अच्छे नहीं है तो आप ये वाला अटेम्प्ट भी ठीक से नहीं कर पाएंगे, हो सकता है कर लें, लेकिन फिलहाल तो अपने मोल कॉन्सेप्ट को पहले स्ट्रांग बनाइए। सॉल्यूशन वाला चैप्टर कई बार पढ़िए और आपको मोल, मोलैरिटी, मोलैलिटी, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो पहला है क्वेश्चन नंबर सेवन के बारे में बात करते हैं, फर्स्ट पार्ट था इसका कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है,
कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की बात करें तो ऐसी प्रॉपर्टी जो इंडिपेंडेंट होती है नेचर ऑफ सॉल्यूट से, नेचर ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, नेचर ऑफ सॉल्यूट से इंडिपेंडेंट होती है, लेकिन डिपेंड करती है किस पे, डिपेंड करती है नंबर ऑफ मोल्स पे, नंबर ऑफ मोल्स। ओके, तो जितने ज्यादा नंबर ऑफ मोल होंगे सॉल्यूशन के, किसके, सॉल्यूशन के, उसी से हम निकाल सकते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, यानी ऐसी प्रॉपर्टीज जो इंडिपेंडेंट होती है नेचर ऑफ सॉल्यूट से, लेकिन डिपेंड करती है नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूशन से, सॉल्यूशन पे ये डिपेंड करती है। नेक्स्ट था इसमें मोलैलिटी, तो मोलैलिटी था इसके अंदर, तो मोलैलिटी की डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। देखिए मोलैलिटी है, मोलैलिटी का मतलब है मोल वाय, इसमें अगर हम बात करेंगे तो मोल पर केजी की बात करेगा, वो किसकी बात करेगा, पर केजी यानी वेट के साथ, तो नीचे आएगा मोल्स ऑफ वन केजी ऑफ सॉल्वेंट और ऊपर आएगा नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। मोल सॉल्यूट के मोल कितने हैं डिवाइडेड बाय वन केजी सॉल्वेंट के अंदर, तो वो क्या बताता है हमें, मोलैलिटी, क्या बताएगा हमें, मोलैलिटी। देखिए आपको ये डेफिनेशन बिल्कुल याद करके जानी है कि मोलैलिटी क्या होता है, मोलैलिटी क्या है, मोलैलिटी क्या है, फॉर्मैलिटी क्या है। ओके, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में आपको ये सारी चीजें, मतलब आपके जितने भी मोल कॉन्सेप्ट है वो अच्छे होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन था इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में हमें स्ट्रक्चर ड्रॉ करने थे, स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करने हैं ये देखते हैं। तो पहला था स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए आया था H2S2O7। आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है कि इसका नाम क्या होता है, इसका केमिकल नेम क्या है, H2S2O7 इसका जनरल नेम क्या है। आपको अगर ये पता है कि सल्फ्यूरिक एसिड बनाने की प्रोसेस में अगर इसका यूज होता है तो आप इसका नाम आसानी से मुझे बता सकते हैं कमेंट बॉक्स के अंदर। अब हम इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे, इसका स्ट्रक्चर बहुत ही आसान है। आसान कैसे है, देखिए कैसे बनाते हैं, दो सल्फर है तो दो सल्फर बना लिए, ठीक है, दो हाइड्रोजन है और दो ऑक्सीजन है, इन दोनों को मिला के दो OH बन जाएंगे आसानी से, ठीक है, तो दो OH हो गए, रिमेनिंग बचे हैं पांच आपके पास ऑक्सीजन, पांच ऑक्सीजन का अगर आप डिवीजन करोगे तो दो ऑक्सीजन इधर, दो ऑक्सीजन इधर, ओके, बचता है एक ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन इन दोनों को कंबाइन दे दो, ठीक है, तो हमने दे दिया। बचते हैं आपके पास चार ऑक्सीजन, तो चार ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड ओ, एक दो, एक ऑक्सीजन इधर डबल बॉन्ड, एक ऑक्सीजन, ठीक है, तो ऑक्सीजन आपके हो गए पांच, एक दो तीन चार पांच ऑक्सीजन हो गए, आपके पास बचता है दो OH, तो एक OH इधर और एक OH इधर, ओके, तो ये जो स्ट्रक्चर हो गया वो हो गया H2S2O7 का, इसका नाम आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है। अभी थोड़ी देर पहले हम जिनोन हेक्साफ्लोराइड की बात कर रहे थे, तो इस क्वेश्चन में भी यही पूछा है कि जिनोन हेक्साफ्लोराइड का स्ट्रक्चर क्या होगा, तो जिनोन हेक्साफ्लोराइड के स्ट्रक्चर बना लेते हैं, जिनोन हेक्साफ्लोराइड, तो XeF6, तो XeF6 का अगर आप स्ट्रक्चर बनाएंगे तो पहले तो आप एक काम करिए, कमेंट बॉक्स में इसका हाइब्रिडाइजेशन जरूर लिखिएगा, अगर हाइब्रिडाइजेशन अगर आपको इसका पता है तो आप इसका स्ट्रक्चर आसानी से बना सकते हैं। देखिए इसके पास दो लोन पेयर अभी भी बचे हुए हैं, अगर आप काउंट करेंगे तो दो लोन पेयर, मतलब एक लोन पेयर बचा हुआ है, ओके, अब आप क्या करोगे, जिनोन को बीच में रखिए, एक फ्लोरीन, दो फ्लोरीन, तीन चार पांच छ और यहां पे आपका लोन पेयर, ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, जिनोन हेक्सा फ्लोराइड, क्या हो गया, जिनोन हेक्सा फ्लोराइड। आपको क्या बताना है, इसका हाइब्रिडाइजेशन बताना है, अगर आप इसका हाइब्रिडाइजेशन बता देंगे तो आपको ये स्ट्रक्चर का नाम भी पता चल जाएगा कि स्ट्रक्चर का नाम क्या है, ठीक है, वैसे तो आपको दिख ही रहा होगा कि बाइप्रामिडल बनेगा, लेकिन आपको इस स्ट्रक्चर का नाम बताना है जरूर, ओके, तो ये था क्वेश्चन नंबर 8, क्या था, क्वेश्चन नंबर 8 का सेकेंड पार्ट। नेक्स्ट डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 में आपको न्यूमेरिकल दिया हुआ है, उस न्यूमेरिकल में आपको
अल्फा की वैल्यू निकालनी है, अल्फा यानी डिसोसिएशन की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालने के लिए आपको पहले गिवन वैल्यू लिखनी पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 9, गिवन वैल्यू में आपको दे रखा है, सॉरी आपको जो दे रखा है मोलर कंडक्टिविटी दे रखी है, मोलर कंडक्टिविटी कितनी है इसकी, 39.057 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। ओके, यूनिट जरूर याद रखिएगा, क्योंकि अगर आप यूनिट नहीं लिखेंगे एग्जाम में तो आपके मार्क्स कट सकते हैं, कट सकते नहीं कटेंगे। ओके, तो ये यूनिट के साथ जरूर लिखिए। अगर डेटा लिख रहे हैं, आपको दे रखी है H प्लस की कंडक्टिविटी दे रखी है 349.67 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, और एसिटेट आयन की दे रखी है 40.97 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। ओके, अब हम यहां से कुछ अपना कॉन्सेप्ट लगाएंगे। कॉन्सेप्ट ये है कि हमें पता होता है कि अल्फा इज इक्वल टू होता है मोलर कंडक्टिविटी ऑफ द सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड मोलर कंडक्टिविटी। ओके, अब स्टैंडर्ड मोलर कंडक्टिविटी किसकी निकालनी है, एसिटिक एसिड की, तो निकालिए क्या होगी, आप इन दोनों को मिला के ही एसिटिक एसिड बनता है, तो एसिटिक एसिड में इन दोनों को क्या कर दीजिए, एड कर दीजिए, ठीक है, प्लस कंडक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन, इन दोनों को अगर ऐड करेंगे तो ये आएगा 40.9 प्लस 349.6, अगर ऐड करेंगे तो ये आएगा 390.5 एस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। ओके, तो आपका आ गया लैम्डा नॉट की वैल्यू आ गई। अब आप अल्फा निकालिए, अल्फा में लैम्डा एम की वैल्यू यानी मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन की वैल्यू दे रखी है 39.05, स्टैंडर्ड आपने निकाली थी कितनी हो गई 390.5, अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो 1/10 यानी 0.1, इसका आंसर कितना आएगा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 0.1। तो ये था इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 9 का। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 10, आज के दिन का यानी फर्स्ट पार्ट का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। इस पार्ट में हम केवल 10 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, बाकी के नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो सेकंड पार्ट में डिस्कस करेंगे, जितने भी हो पाएंगे सफिशिएंट, क्योंकि अगर एक वीडियो लंबा हो जाता है तो उसको देखने का मन नहीं करता बार बार, तो प्लीज अपने आप का ध्यान बनाने के लिए मैं इसको अलग अलग पार्ट में लेके आऊंगा। तो ये पहले पार्ट में केवल क्वेश्चन नंबर 10 होंगे, 10 क्वेश्चन में आज का क्वेश्चन नंबर लास्ट, इसमें दे रखा है नेम रिएक्शन दे रखी है, उसको कंप्लीट करना है, मींस आपको नाम दे रखा है और उसकी केमिकल रिएक्शन लिखनी है। तो पहली है वॉल्फ किस्नर रिएक्शन, वॉल्फ किस्नर रिएक्शन, ठीक है। वॉल्फ किस्नर रिएक्शन का काम जो है वो रिडक्शन रिएक्शन है, पहले तो आपको ये याद रखना है, क्या कैसी रिएक्शन है, रिडक्शन रिएक्शन है, और रिडक्शन किसमें होता है, एल्डिहाइड या कीटोन हो उसको वो रिड्यूस कर देता है एल्केन में, किसमें रिड्यूस कर देगा, एल्केन में रिड्यूस कर देगा, ठीक है। एल्डिहाइड दोनों के अंदर सिमिलैरिटी क्या है कि कार्बन के साथ डबल बॉन्ड ओ होता है, ठीक है, एल्डिहाइड आपका टर्मिनल है, कीटोन आपका बीच में आता है, ठीक है। अब इसमें हम जो रिएक्टेंट सॉरी कैटलिस्ट यूज करेंगे, कैटलिस्ट यानी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, या जिसको आप बोलोगे एजेंट, कौन सा एजेंट यूज करेंगे, सॉरी ऑक्सीडाइजिंग नहीं रिड्यूसिंग एजेंट, इसके अंदर हम यूज करेंगे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, ठीक है, इस हाइड्रोजन का हम यूज करेंगे और रिएक्शन देखेंगे क्या हो रही है। तो आपने क्या करा, एक कोई भी जनरल एल्डिहाइड या कीटोन ले लिया सी डबल बॉन्ड ओ के साथ, और इसकी रिएक्शन कराई हाइड्रोजन की प्रेजेंस में, ठीक है, इसमें से वाटर रिमूव हो जाएगा और आपका बनेगा कॉम्प्लेक्स या हाइड्राजोन बनेगा, जिसको आप बोलते हो हाइड्राजोन, इसका नाम क्या है, हाइड्राजोन। फिर इसका KOH और इथाइल ग्लाइकोल, इथाइल ग्लाइकोल के प्रेजेंस में आप इसको हीट कराएंगे तो आपको मिल जाएगा सिंपल सा एल्केन और साथ में नाइट्रोजन गैस, ठीक है, ये आपका क्या बन गया, एल्केन, यही हमारा मेन प्रोडक्ट है, और ये हमारा क्या है, रिएक्टेंट, ये एल्डिहाइड भी हो सकता है या फिर कीटोन भी हो सकता है। तो ये थी कौन सी रिएक्शन, वॉल्फ किस्नर रिएक्शन। मैकेनिज्म के लिए अलग से नेम रिएक्शन का एक फोल्डर है, प्लेलिस्ट है, आप वहां जाइए,
वहां पे आपको वॉल्फ क्रिस्नर रिएक्शन पूरी डिटेल में मिल जाएगी कि कैसे इसका कैटायन फॉर्मेशन हो रहा है, कैसे इसमें बॉन्ड चेंज हो रहे हैं, कैसे इसका डिरप्शन हो रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट रिएक्शन थी इसकी इटार्ड रिएक्शन। बहुत ही इजी रिएक्शन मैं कहूंगा, क्योंकि इटार्ड रिएक्शन काफी छोटी भी है और इम्पोर्टेंट भी है ऑक्सीडेशन में। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं सेकेंड रिएक्शन थी हमारी इटार्ड, ETARD, इटार्ड रिएक्शन। तो इटार्ड रिएक्शन में क्या करना है, ध्यान से देखते हैं। इटार्ड रिएक्शन जो रिएक्शन है वो ऑक्सीडाइजिंग रिएक्शन है। ये क्या करती है, एरोमेटिक कंपाउंड के साथ, एरोमेटिक कंपाउंड तो आप जानते ही होंगे, एरोमेटिक कंपाउंड के साथ जो मिथाइल ग्रुप लगा होता है, मिथाइल ग्रुप लगा होता है, उसको वो रिड्यूस कर देती है किसमें, उसको वो ऑक्सीडाइज कर देती है किसमें, एल्डिहाइड में। ठीक है, तो ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। ठीक है, ये क्या करेगी, मिथाइल ग्रुप, मिथाइल ग्रुप क्या होता है, CH3, उसको कन्वर्ट कर देती है सी डबल बॉन्ड OH यानी एल्डिहाइड में। ठीक है, और इसके लिए जो हम रिजेंट यूज करेंगे, रिजेंट हमारा क्या होगा, एजेंट, जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा वो हम यहां पे यूज करेंगे क्रोमाइल क्लोराइड। और क्रोमाइल क्लोराइड का फॉर्मूला होता है CrO2Cl2। ये क्रोमाइल क्लोराइड का फॉर्मूला हो गया। अब इस रिएक्शन को देख लेते हैं। सपोज करते हैं कि हमारे पास टॉलुइन है, टॉलुइन पे क्या होता है, CH3 लगा होता है, इसको हम बोलते हैं टॉलुइन बेंजीन रिंग पे। ठीक है, इस टॉलुइन की रिएक्शन आप करा रहे हो CrO2Cl2 यानी क्रोमाइल क्लोराइड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और ये कैसा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अभी इसकी बात करेंगे क्यों है ऐसा, क्रोमाइल क्लोराइड की के साथ रिएक्शन करेंगे। अच्छा, आप इसमें जो सॉल्वेंट यूज करेंगे रिएक्शन के लिए वो हम या तो CCl4 यूज करेंगे, कार्बन टेट्राक्लोराइड, या फिर कार्बन डाइसल्फाइड यूज करेंगे, या फिर आपका क्लोरोफॉर्म यूज करेंगे। इन तीनों में से कोई भी आप यूज कर सकते हो इस रिएक्शन को आगे बढ़ाने के लिए। इसके बाद आपका क्रोमाइल आयन बनेगा, क्रोमियम कॉम्प्लेक्स OCrO HCl2 इसको बोलते हैं क्रोमियम कॉम्प्लेक्स। ठीक है, इसके बाद इसकी रिएक्शन, यानी आपने H3O यानी हाइड्रोलिसिस करा दिया एसिडिक मीडियम में, तो अब क्या बनेगा, ये कॉम्प्लेक्स कन्वर्ट हो जाएगा एल्डिहाइड में। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, एल्डिहाइड में, CHO, और इसको हम बोलते हैं बेंजल्डिहाइड। ठीक है, तो मेन जो कंपाउंड हमें याद रखना है इस रिएक्शन के अंदर, मेन जो है इंपॉर्टेंट है वो ये है कि आपने क्या लिया, मिथाइल ग्रुप लिया एरोमेटिक के ऊपर, वो कन्वर्ट हो जाएगा डायरेक्टली किसके अंदर, एल्डिहाइड के अंदर। और इसके लिए हमने क्या यूज करना है, क्रोमाइल क्लोराइड, जिसको हम बोलते हैं माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कैसा एजेंट, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ओके, तो ये था आज का part-1 के टोटल नंबर क्वेश्चन 10। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है, अगर आपको ये मेरी पहल अच्छी लग रही है, तो प्लीज इस वीडियो पे कमेंट कीजिए और जो मैंने क्वेश्चन पूछे उसका आंसर दीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, हैव अ गुड डे।